Let's start, dear friends. Here we go, lovely people. Let's write down the heading. What? Final account. ओके कल मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन क्या कल मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन व्हाट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. एक आइडिया दिया था. तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ? बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के लिए? अकाउंटिंग. फाइनलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है ये कल बताया था मैंने आपको कि जो बुक कीपर होते हैं वो 3, 4, 10 होते हैं. वो सब लोग रिकॉर्डिंग कर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर छोड़ देते हैं. बट उसको एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने का काम ये अकाउंटिंग में होता है और इसी को हम फाइनलाइजेशन के नाम से जानते हैं और इसी को हम फाइनल अकाउंट के नाम से भी बोलते हैं. सही यस. कल हमने बहुत सारे ऐसे सिनारियोज और केसेस देखे थे इन रियल लाइफ जहां पर ऐसा कुछ होता है. होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है सर. नेक्स्ट. फाइनल अकाउंट को मैंने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में. मेरे प्यारा बच्चा तू बताएगा कौन से 2 हिस्सों में? मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज. मैन्युफैक्चरिंग वाला एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाता है जिसका नाम मालूम है क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो क्या मैं लिखूं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. से यस. उसके बाद में कौन सा बनता है? ट्रेडिंग. उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट. फिर बैलेंस शीट. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट. फिर नोट्स टू अकाउंट. ओ तेरी कितना प्यारा बच्चा है तू. अच्छा मुझे बताओ इनमें से ये वाला अकाउंट क्या दिखाता है? कॉस्ट. और ये वाला अकाउंट क्या दिखाता है? जीपी. और ये एनपी. ये फॉर द पीरियड बनते हैं क्या? एज ऑन बनते हैं? फॉर द पीरियड या एज ऑन? फॉर द पीरियड. इसमें परफॉर्मेंस दिखता है या पोजिशन दिखती है? परफॉर्मेंस दिखता है. ए खजूर पोजिशन दिखती है क्या? होट तो तेरे पोजिशन से बोलकर हिले. पढ़ने आते हैं मुझे. बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही. तू पोजिशन बोला था ना? तू नहीं रहे हो पीछे वाला. क्या तिरला दिखता है? क्या पोजिशन? क्या दिखता है रे भाई? परफॉर्मेंस. झंडू. और बैलेंस शीट क्या दिखाती है? पोजिशन. तुम्हारी औकात का तुम्हारा पता नहीं. तुम्हारी औकात का पता किससे पता चलता है? पोजिशन से. मतलब तुमको लॉस रहेगा एक आध साल में बट फिर भी तुम बहुत भारी. पोजिशन से पता चलता है, बैलेंस शीट से. क्योंकि मान लो करंट ईयर में लॉस हुआ बट तुम्हारे पास 5,000 एकड़ जमीन है, तुम्हारी पोजिशन फिर भी भारी है. औकात भारी है. बैलेंस शीट औकात बताती है. और करंट ईयर में परफॉर्मेंस कैसा रहा यह कौन बताता है? पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. से यस. सो परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट. दे आर फॉर द पीरियड. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. बट योर पोजिशन इज रिफ्लेक्टेड बाय बैलेंस शीट. से यस. रहने दे, तू आवाज बढ़ा बस. अच्छा तू नहीं उठा सकता, तू बढ़ा देगा? सिंगल प्लीज मिंगल. यस ओके. नहीं मजा नहीं है, थोड़ा सा और कर. नाउ आई एम टीचिंग यू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी. डू यू नो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है? वहां पे मेडिसिन बनती है. बनती है कि नहीं बनती है? बनती है. अच्छा और कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? क्या? ऑटोमोबाइल. और मैं जाएगा नहीं, तुम जब तक नहीं बोलेगे मैं जाऊंगा नहीं. क्या? शुगर इंडस्ट्री. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन. नेक्स्ट. टेक्सटाइल. वेरी गुड. कौन सा? लिकर. अच्छा बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है. लिकर. तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया तुमने बेटा. आई वुड लाइक टू टेक दिस एग्जाम्पल एंड हेल्प यू आउट. ओके, बिकॉज इस एग्जाम्पल में मुझे एग्जैक्टली बताने का मौका मिलेगा आपको क्या होता क्या. सो व्हेन वी आर नाउ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बॉयज एंड गर्ल्स, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इन्वेंटरी. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इन्वेंटरी? इन्वेंटरी इन्वेंटरी कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद गुड्स. ओके, नाउ आई एम देयर इन AS2 इन्वेंटरी, जिसमें तुम ऑर्डिनरीली डील करते हो उसको बोलते हैं गुड्स, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी. ऑर्डिनरीली डील करते हो. Is that okay? तूने माथे में बो पहना है? पहना है? Will you sell it? Oh, she is ready to sell. अरे girl, क्या है यार? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे लगा नहीं नहीं दूंगी. I am just asking you, sir, अगर मान लो कोई रस्ते चलते तुमको आकर पूछे कि मैडम आपके सिर में बो बहुत अच्छा है, बेचेंगी? You don't deal in that, यार. Come on, try and understand. Are you getting my point? Ordinarily deal मतलब कि आप
जिसको अंदर व्यवहार करते हो, सही है कि नहीं है? तो दुनिया कितनी मुश्किल हो जाती है। देखो कोई आया मेरे पास, सर सुनो ना ये लैपटॉप बहुत अच्छा दिख रहा है, बेच दो मेरे को। अरे भाई पागल है तू, मैं लैपटॉप में डील नहीं कर। बट अगर कोई आएगा सर आपके लेक्चर से ही है, मैं बोलूँगा हाँ ओके, कॉन्टैक्ट दिस नंबर, गो एंड गो देयर, और हमारा स्टाफ रहेगा, दे विल हैंडल ऑल द थिंग्स। ऑर्डिनरीली डील करना इसका मतलब आपको जिसके लिए GST सर्टिफिकेट मिला है, एग्रीड? आपका माल कौन सा है? माल इज लाइक यू नो द थिंग इन विच यू ऑर्डिनरीली डील, एंड इट कैन चेंज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। नाउ कैन आई एनीवन कम इन माई क्लास एंड से सर विल यू सेल योर AC? पागलखाने में भर्ती करा दूंगा मैं, क्योंकि बेटा मैं ऑर्डिनरली डील करता हूँ क्या AC में? नहीं। मैक्सिमम ही क्या ना, सर कहाँ से बाइक किया, मैं उसको एड्रेस दे दूंगा, वहां से जाके बाइक करेगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो आपको समझ में आ रही बात ध्यान में बेटा? इन्वेंट्री का सबसे बड़ा मुख्य इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद इट ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन ऑर्डिनरी बेसिस। एंड इन्वेंट्री इज नॉट ओनली वन, इन्वेंट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वन इज रॉ मटेरियल, खंबा पता है सभी को क्या होता है? खंबा जूस की बोतल, ठीक है? तो बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट लिकर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने, वाइन वट एवर। सो तुम्हें पता है पहले होता है रॉ मटेरियल, बताओ रॉ मटेरियल क्या होता है? मां कसम, ग्रेप्स। इट इज एन इन्वेंट्री, ग्रेप्स इज वॉट इन्वेंट्री। फिर क्या किया जाता है ग्रेप्स के साथ? सड़ाया जाता है, राइट? इट इज फर्मेंटेड, राइट? इट इज फर्मेंटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस विद अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बाय एडिंग सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। फर्मेंटेड कितने दिनों तक फर्मेंट कर रही है जाती है? सालों साल, इसीलिए बोलता है ना जितनी पुरानी उतनी अच्छी, राइट? यहां पे ओल्ड इज गोल्ड होता है, इसलिए नाम भी होते हैं ओल्ड मॉन्क वगैरह वगैरह, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ओके? सो इसको बोलते हैं WIP। अरे नहीं लोगों से क्या, पिछले क्लास में किसी बच्चे ने बताया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, देख के लगता है ऐसा कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। सो सेकंड वन इज व्हाट? WIP। WIP इज, यू नो, तुम बताऊं, लीकर वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपको बताऊं कि किसी लीकर फैक्ट्री में अगर आप जाओगे और अगर आप देखोगे या YouTube पर भी कभी देखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि उनका वर्क इन प्रोग्रेस बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा होता है, एग्रीड? सो इन्वेंट्री के बाद में बनता है वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस के बाद में बनता है क्या? फिनिश गुड्स, ओके? अब जरा ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको। फिनिश गुड्स आर सोल्ड, फिनिश गुड्स आर सोल्ड, दे आर ट्रेडेड। ये दो जो चीजें हैं, ये दोनों ही चीजें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट है, राइट? रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, फिनिश गुड्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? तुम्हारे आंसर हर एक राइट आएंगे अगर आपको ये दो चीजें पता है। मैन्युफैक्चरिंग का पता मतलब अगर नाम लूं मैं तो उसके अंदर दो इन्वेंट्री होती है, एक है रॉ मटेरियल और एक है वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ वर्क इन प्रोग्रेस भी दो चीजों का हो सकता है। जैसे तुम कभी रस्ते से जाओगे तो वहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है, आधी बनी हुई है, दैट इज नॉट अ इन्वेंट्री, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आपके कॉलेज की बिल्डिंग अधूरी बनी हुई है, बन रही है अभी तक, एक एग्जाम्पल, कोई नया कंस्ट्रक्शन चालू है, सो दैट इज नॉट वर्क इन प्रोग्रेस, डोंट कॉल इट एज वर्क इन प्रोग्रेस, कॉल इट एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। व्हेन आई रेफर वर्क इन प्रोग्रेस, इट लॉजिकली मींस रिलेटेड टू योर डे टू डे एक्टिविटीज, इट इज जनरली मींस इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो ऐसे बहुत सारी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस होती है, एग्रीड? तो बेटा इन्वेंट्री का मीनिंग क्या क्या बताओ? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। समटाइम्स वर्क इन प्रोग्रेस इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑल्सो, राइट? इट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे आप लकड़ी काटते हो, लकड़ी काटने के बाद में उसको सुखाया जाता है सो दैट द मॉइस्चर ऑफ दैट वुड गेट्स आउट। मॉइस्चर जब तक बाहर नहीं निकल जाता तब तक लकड़ी में कोई मतलब नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू कैच फायर और इट इज नॉट गोइंग टू हैव दैट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी उस लकड़ी में, तो उसके मॉइस्चर को निकाला जाता है। रीडिंग माई पॉइंट, सो लवली रसगुल्लास, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वर्क इन प्रोग्रेस मतलब इन्वेंट्री होता है, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट कन्वर्टेड इन टू वॉट? फिनिश गुड्स। जैसे एरोप्लेन बनाना है, तो मान लो हम एरोप्लेन बनाने वाले, आई मेक एरोप्लेन, सो फॉर मी माई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वॉट? टू मेक एरोप्लेन्स,
यस और नो? तुमने इधर नाम भी सुना होगा कोई एक कंपनी, एरोनॉटिक्स, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नाम, लिस्ट नहीं, इधर लिस्टेड है, अपने स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, बट अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उस कंपनी का काम क्या है कि एरोप्लेन्स बनाना, तो उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, टू मेक एरोप्लेन्स, बट एरोप्लेन एक साथ एक दिन में बन जाएगी क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम। सो कुछ एरोप्लेन एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आधे अधूरे बने हुए रहेंगे। अब आधे अधूरे बने हुए रहेंगे तो उसको क्या बोल देंगे आप? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। हैव यू अंडरस्टूड? सो बेटा प्लीज लिख लो ये। और ये दोनों कहां पे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये कहां पे होता है बेटा? फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट। इफ यू अलाउ मी शैल आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? यस, ध्यान से सुनो बेटा, अब मैं क्या बता रहा हूं। एक कॉमन सेंस एग्जाम्पल लेते, दाल से बनता है बेसन, पता है? उससे बनते हैं पकौड़े, खाते हो ना, वड़ा पाव। सो कैसे होता है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज देर इज अ दाल मिल, सपोज देर इज अ दाल मिल वेर वी आर गोइंग टू क्रिएट वॉट? बेसन, राइट? बेसन कैसे, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, थैंक यू, मुझे नहीं बोलना है, बट बेसन ही बोलूंगा मैं। यही लोग है वो जो अंग्रेज को इधर लेके आए, होपलेस। मैं बना रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ग्राम फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, होते होंगे। सुनो अभी मैं क्या बता रहा हूं। इधर एक आदमी ने परचेस किए 1000 kgs ऑफ दाल एट द रेट ऑफ रुपीज, लेट्स टेक 20 rupees, मुझे रेट नहीं पता, आई एम सो सॉरी, तो मैंने 20,000 लिख दिया। दाल 20 rupees में खरीदी, वट एवर परचेसेस, 1000 × 20 कितना हो गया? 20,000। हैप्पी? यस। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या हुआ। उसने सारा का सारा बेसन में कन्वर्ट नहीं किया, एग्रीड? उसने कन्वर्ट किया सिर्फ 200 kg, 200 kg ही ग्राइंडेड इट, उसको पीस दिया। तो उसको करने का काम जो था उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, पावर, ये सब लगा। तो मैं इधर लिख देता हूं 2 power खर्चा है ना, 1200, एंड आई विल ऑल्सो राइट डाउन 2 wages 900, एक एग्जाम्पल। अब वो बंदा बोल रहा है कि 200 kg का खर्चा उस पोट्टे का है 20,000 प्लस 1200 प्लस 900, तो खर्चा कितना हो गया? 0011 4 कितना हो गया? हाँ सॉरी 22100। ओके, ही सेइंग दिस इज द एक्सपेंस, डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री और नॉट? तो अगर कोई तुमको 200 kg 22,100 में बेच दे तो तुम खरीद लोगे क्या? क्यों नहीं खरीदोगे यार? कॉस्ट पे बेच रहे हैं, नलाई को प्रॉफिट भी नहीं ले रहा है, ले लो ना। क्या गड़बड़ है, क्या गलती की मैंने, ढूंढ के बताओ। कॉस्ट 1000 की है, राइट? बट बेटा जी वो मेरे को बेच रहा सिर्फ 200 है, क्योंकि अगर तुम 200 का देखोगे, अब देखो 200 का 200 × 20 = 4000, वेजेस जितना मैन्युफैक्चर किया उसको ले लगा होगा, तो वेजेस मैंने लिखा 900
पावर मैंने लिखा 1200, बेटा एक्चुअल खर्चा इतना है, कितना आएगा 6100, और वो तुमसे कितना मांग रहा है 22100। मतलब 200 किलो बेसन का खर्चा इज नॉट 22100, क्योंकि तुमने एक्सपेंस इधर बुक किया 1000 kg का, और तू मुझे बेच कितना रहा है सिर्फ 200 kg। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर, दैट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ 200, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1000। से यस ऑर नो? सो दैट इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। इसीलिए टीचर क्या बोलती थी, इसको एट कॉस्ट लिखो बेटा, है नहीं? क्लोजिंग स्टॉक लिखते क्यों है? क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, बच गया माल, ट्रांजैक्शन कहां हुई? तुमने माल बाय किया, ये ट्रांजैक्शन है, माल बच गया ये इवेंट है। बट फिर क्यों रिकॉर्ड करते? क्योंकि बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। से यस। जैसे मान लो मैंने 10 pen खरीदे एट द रेट ऑफ ₹1, 10 मैंने एक भी बेचा नहीं, एक भी नहीं बेचा, एग्रीड? अब मैं बोलता हूं लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो लोग बोलेंगे लॉस कहां हुआ, अभी बचे ना तेरे पास 10 pen। सो मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा 10 pen into 1, 10 एट कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट रिवर्स हो जाती है। क्रेडिट में लिखते हैं, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखते थे, इसका मतलब क्या, यू आर रिवर्सिंग द कॉस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। सो बेटा हमारा थोड़ा शुरुआत का भी एक पार्ट देख लेते हम, व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। प्लीज टेल मी द क्लास, व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। बट क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड और स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। अबे समझा क्या? मुझे नहीं समझा। व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड ऐसा पूछा, पूरी क्लास नहीं बोल रही है, बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैचिंग। तू नहीं रहे तेरे पीछे, मौन है आज, हाँ तबीयत खराब है, शांत बैठना चाहती है, ये अकेली शांत बैठेगी, बाकी के सब लोग बोलेंगे। अब तूने मुंह खोल दिया ना तो याद रख लियो, हाँ फिर मेरे गुस्सा आ जाएगा। बताओ जल्दी से अभी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट, मैचिंग। बट क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, व्हाई? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। लवली पीपल, लवली पीपल, रसगुल्ला, यहां तक समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्वेंट्री कौन सी कौन सी, हाय रब्बा मैं तो भूल ही गया, इन्वेंट्री कौन सी कौन सी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डू यू ऑल एग्री? तो बेटा जी अब मैं आपको बता रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहला लॉजिक ध्यान में रखो, ये कॉस्ट बताता है, क्या बताता है गुड़िया, कॉस्ट। तो कॉस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक बनाया, ठीक है? ये डेबिट साइड, मतलब पता है क्या तुमको क्या है, डेबिट साइड ओनली टॉक्स अबाउट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड टॉक्स अबाउट सम ऑफ द इनकम, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई इनकम होती नहीं है। सो लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट वन, टू ओपनिंग स्टॉक, और इसको अंडरलाइन करके मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल, और इसको अंडरलाइन करके लिखूंगा मैं वर्क इन प्रोग्रेस, ओके? देन आई विल राइट डाउन टू परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, आरएम, टू परचेसेस ऑफ डब्ल्यूआईपी, मत बोलना लोग गेड़ा बोलते हैं, अबे प्लीज यार डब्ल्यूआईपी खरीदते नहीं है, डब्ल्यूआईपी बीच में बनी हुई रहती वो है, एग्रीड? फिर टू परचेसेस, टू वेजेस, टू पावर, से यस, और डायरेक्टली एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, एंड बाय, बाय क्लोजिंग स्टॉक, आई विल अंडरलाइन दिस एंड आई विल राइट डाउन रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, एग्रीड? फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा बेटा, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, एग्रीड? एंड देन हियर यू विल राइट डाउन बाय सेल ऑफ स्क्रैप, सिर्फ ये एक ही आइटम आता है इधर, इनकम का एक ही आइटम, क्या, सेल ऑफ स्क्रैप। अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें अगर क्लिक हो रहा है कि मुझे जो माल बन गया उसका खर्चा कितना है, जो माल बन गया उसका खर्चा कितना है, जैसे मैंने बोला, अब देखो ये भाड़ में गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भाड़ में गया, अपन एक गांव में गए, गांव वाले लोग कैसे डील करते देखो, ठीक है? सो गांव वाला आदमी बोल रहा है कि देख भाई मैंने रॉ मटेरियल खरीदी किया 25,000 का, ठीक है, उसमें से बच गया 5,000 का, 5,000 बच गया, मतलब मेरा खर्चा हो गया 20,000। कॉमन कॉमन सेंस है यार,
मैंने बाय कितने का किया, परचेस 25,000, बच गया कितना 5,000, बच गया क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इतना बच गया, एग्रीड। फिर वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ किया, उसके लिए मेरा कुछ खर्चा लगा, वेजेस, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने वेजेस दिए। तो वेजेस बेटा परचेस पर नहीं लगते, स्टॉक पर भी नहीं लगते, वेजेस जो काम हुआ, जो यूज हुआ उस पर लगा होगा, हाँ या ना? मतलब जो पढ़ा हुआ है, जिसको कुछ काम किया ही नहीं उस पर थोड़ी ना वेजेस लगे। तो मैंने बोला ठीक है, वेजेस हो गए मेरे 3,000, मुझे पावर भी लगा, खर्चा पावर वो लगा 6,000। से यस, अरे हो नहीं मेरे भाई। अब उसके बाद में वो बोलता है कि ये मेरा टोटल लागत है, मेरा खर्चा कितना हो गया, 20,000, 3,000, 6,000, कितना, 29,000। ये गांव के लोग निकाल कर देते तुमको। फिर मैंने बोला स्क्रैप सेल किया, स्क्रैप सेल किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1,000, तो मेरा खर्चा कितना हो गया 28,000, क्योंकि 1,000 तो मेरा रिकवर हो गया ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यही चीज आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बताऊं तो आप मुझे बताओ, परचेस डेबिट में लिखूंगा कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखूंगा कि नहीं, पावर डेबिट में, वेजेस डेबिट में लिखूंगा कि नहीं, और ये क्रेडिट में लिखूंगा कि नहीं? यस। तो ये देखो, अगर आप डेबिट में मान रहे हो, 25,000 लिखा, 5,000 लिखा, 3,000 लिखा, 6,000 लिखा, 1,000 लिखा, अब आप निकाल कर बताओ मेरा 28,000 का खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? 28,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आप कॉस्ट निकाल सकते हो, और एकदम कॉमन सेंस है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, परचेसेस डेबिट साइड में, डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, से यस। क्रेडिट साइड में यू विल राइट डाउन ओनली वन इनकम, दैट इज व्हाट, सेल ऑफ स्क्रैप, और फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे किसका, WIP का, और क्लोजिंग स्टॉक किसका लिखेंगे, रॉ मटेरियल का, बोलो ना हाँ। बेटा जो ये 28,000 आया, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, ऑफ विच गुड्स, फिनिश गुड्स, जो गुड्स फिनिश हो गए उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मान लो तुमने रॉ मटेरियल खरीदा था 20,000 kgs, देखो ऐसा, तुमने रॉ मटेरियल कितना खरीदा, 20,000 kgs एट द रेट ऑफ 20, एग्रीड, कितना लिख दूंगा, ये मैंने पहले कितना खरीदा, 2,000 kgs, 1,000 kg इंटू वॉट 20, कितना हो गया 20,000। फिर मैंने इधर लिखा क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसका कितना, 800 kg इंटू वॉट 20, कितना आएगा 16,000। फिर मैंने लिखा वेजेस, फिर मैंने लिखा पावर, एग्रीड, वेजेस मेरे हिसाब से 900, पावर मेरे हिसाब से 1,200। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या निकाल रहा हूं, आई एम कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको क्या निकाल के देता है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है। अगर वही एग्जाम्पल याद होगा तो लो कैलकुलेटर पर, 20,000 प्लस 900 प्लस 1,200 माइनस 16,000, वो कुछ तो लफड़ा किया है क्या मैंने, 6,100 आ रहा है क्या? सो ये क्या है, बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना है बेटा जी, 6,100, ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट आई। अरे हाँ नहीं मेरे बच्चे, अब फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो 6,100 डिवाइड बाय 200 कितना आ रहा है बताओ, 30.5। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 30.5। हैप्पी, बताओ आपने क्या सीखा निकालना, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और वो किससे निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अभी पूरा बच्चा डेबिट साइड से शुरू करेगा, और जब तक ये नहीं आएगा हम आगे जाने का सवाल ही नहीं है। मुझे बताओ, दो टाइप की इन्वेंट्रीज आर रिलेटेड टू व्हाट, टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आर रिलेटेड टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कौन सा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो सुनाई दिया, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, सिखा हुआ है ना ये तो पूरी क्लास, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर डायरेक्ट परचेसेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे लिखे, क्रेडिट साइड में बाय सेल नहीं आता इधर, सिर्फ एक ही चीज, सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, तो सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवाज नहीं, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
एग्रीड। बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रसगुल्ले बच्चे हमेशा ध्यान में रखना कि आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट कॉस्ट, और इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट भी निकाली जाती है। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? पर यूनिट। तो इसीलिए उसमें कॉलम भी होता है यूनिट का। जैसे अभी कॉस्ट निकली 6100, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? सो मैं लिखूंगा 200 यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट आराम से निकल सकती है 6100 डिवाइड बाय व्हाट? 200। सो आई विल जस्ट शो यू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन योर मॉड्यूल। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कह रहे, इसका और एक यूनिट है क्या? ये देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बच्चों को, कहां से दिखेगा? हाँ, अभी इधर दिख रहा है क्या? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पहले मैंने बताया। सो बेटा रॉ मटेरियल इधर दिख रहा है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री ये दिख रहा है क्या? झंडू ओपनिंग इन्वेंट्री। इन्होंने जैसे किया वैसा मत करो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सुनो। ओपनिंग इन्वेंट्री इधर लिखा, परचेस इधर लिखा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर लिखने का, कहां लिखने का? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड में। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन है नहीं, और ओपनिंग WIP मैंने डेबिट में लिखने को बोला था क्या? ओपनिंग WIP डेबिट में लिखने को बोला था क्या? नहीं बोला था। हाँ, ये क्या, ये रहा प्रूफ है मेरे पास, तुम बोल ही नहीं सकते नहीं बोला था। कुटे गिले ए इधर है, हंस क्या रहे हो नालायक? ओपनिंग WIP बोला था ना, और क्लोजिंग WIP कहां पे? क्रेडिट साइड में। तो ये ओपनिंग WIP इधर डेबिट में, क्रेडिट साइड में देख रहे हो क्या? क्लोजिंग WIP है नहीं, एंड बाय बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को मैंने आपको सीधे सिंपल भाषा में बताया, सेल ऑफ स्क्रैप करता है। और बेटा आपको फिर लास्ट में क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, दिख रहा है क्या ये वाला? बट क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ए रसगुल्ले बच्चे, इसमें मैंने बताया था यूनिट भी होता है, डिशिंग क्या? यस। तो अब मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो अपने को आना चाहिए ना? हाँ, तो अब जल्दी से बताओ, क्योंकि अरे बाबा 4-5 क्वेश्चन से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर, और इतना पोपट है ना, फिर भी बच्चों को नहीं आता है क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं पता होता है। जल्दी से बताओ पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। किसका? फिनिश गुड्स का भी ले लेंगे, गोली मार दूंगा इधर ही अगर फिनिश गुड्स का लिए तो। किसका लोगे? रॉ मटेरियल और WIP। फिर परचेस, परचेस किसका? रॉ मटेरियल। परचेस किसका? रॉ मटेरियल। पक्का? सो परचेस रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या था? रॉयल्टी, वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाय रब्बा सर, हमको तो बचपन में सुंदर टीचर बताती थी कि जाएगा जाएगा जाएगा, मगर पीएनएल में। पोपट, तब तुमको मैन्युफैक्चरिंग नहीं सिखाया था। बट तुम सोचो, तुम सोचो ये बॉटल कैसे बनी है? फैक्ट्री में किसने बनाया? इंसान ने बनाया, मशीन ने। तो उस मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी इस बॉटल की? तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस बॉटल निकाल रहे हो ना, तो मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज लूं या नहीं लूं? हाँ, थैंक यू सर, लो जिसने बोला वो। सो बेटा बताओ मुझे, प्लांट एंड मशीनरी इन द फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी इन द फैक्ट्री, इसका डेप्रिसिएशन विल हिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एंड बेटा प्लांट एंड मशीनरी इन द ऑफिस, इन द एडमिन, इन द सेल्स डिपार्टमेंट विल हिट P&L अकाउंट। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो हर एक डेप्रिसिएशन बोलो P&L अकाउंट में जाती है। एक डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में भी जाती है। कौन सी वाली डेप्रिसिएशन है? जो मशीनरी कहां पे यूज होती है? फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। यस और नो? और कुछ मशीनरी, कुछ प्लांट एंड मशीनरी, कुछ ACs कहां पे यूज होते हैं? ऑफिस। ऑफिस में यूज करने वाले कहां पे जाते हैं? P&L अकाउंट। समझे? वेरी गुड। अब मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे, को तुझे नहीं पूछता है, हर बार नाराज हो, थोड़ी तू बता। मान लो कि तुम्हारा ट्रैवल, ट्रैवलिंग का बिजनेस है, ट्रैवलिंग एज इन तुम्हारे, नहीं टूर्स एंड ऑपरेटर, तुम्हारी बसेस चलती है ऑल ओवर महाराष्ट्र, तो तुम्हें पर किलोमीटर कॉस्ट निकालनी है। तो पर किलोमीटर कॉस्ट में क्या आप बस की डिप्रिसिएशन लोगे या नहीं लोगे? बस की डिप्रिसिएशन आएगी क्या नहीं आएगी? उसको लेना ही पड़ेगा। You have to take बस का depreciation, क्योंकि उसी तरीके से कॉस्ट निकलती है। नहीं तो तुम एक अंदाजा लगाओ, तुम क्या बोलोगे? सर एक लीटर डीजल मान लो 100 रुपए सर, और सर एक लीटर डीजल में गाड़ी चलती है हमारी सर
अराउंड 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, ठीक है। सो ले लो कैलकुलेटर पर, 100 डिवाइड बाय 25, बस की बात कर रहा हूं मैं। और फिर बोल देना गांव में जाके ढिंडोरा पीट देना, हमारे एक किलोमीटर की कॉस्ट 5 रुपए, कान के नीचे आवाज लगाएंगे लोगों, एक किलोमीटर की 5 नहीं है, तुम भूल गए हो कि वो जो असेट है वो भी धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसकी डिप्रिसिएशन भी आपको रिकवर करनी पड़ेगी, किससे, क्लाइंट से। अब मेरी बात समझ आती है आपको? तो जल्दी से एक बार, लास्ट बार और एक बार, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन फैक्ट्री विल हिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग डेप्रिसिएशन इन ऑफिस बिल्डिंग विल हिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। इतनी बात है पांडे जी, तो फैक्ट्री रेंट पर ली है, रेंट ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, रेंट ऑफ ऑफिस, मतलब तुम एकदम अच्छे से समझ गए हो कि सर ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस P&L अकाउंट को जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग को जाएंगे। मतलब सुंदर टीचर ने जो याद कराया था कि रेंट P&L में जाता है, ये बकवास है। रेंट कैन गो टू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, हायर चार्जेस कैन गो टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कैन ऑल्सो गो टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग। मशीन रिपेयर कराई पक्का, और ऑफिस की मशीन रिपेयर कराई P&L, वेरी गुड। लिख कर ले लो बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हाँ और ऊपर से पटक बेटा, इधर क्या लिखूंगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट फैक्ट्री, और इधर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, इधर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें यूनिट कॉलम भी होता है क्या? होता है, देयर इज अ यूनिट कॉलम ऑल्सो देयर। क्रिटिकल कौन थे रही वो पढ़ाई किया अगर नालायक, दिन भर इधर उधर फिरते रहता नालायक। थोड़ा सा ऊपर, यस बेटा जी, ये लीजिए आप किसी, ओ गरम लगा तुमको भी नहीं, तीखा लगा तुमको बेटा, और गंदा लिखना, थोड़ा और गंदा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, थोड़ा और गंदा लिखो, चले गया रसगुल्लो, तो तुमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पता चल गया, राइट डाउन सम पॉइंट्स बिलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू कैलकुलेट, वेरी गुड, टू कैलकुलेट cost of production per unit, write down point number 2, following expenses will be debited, to manufacturing account
फर्स्ट वन फर्स्ट वन राइट डाउन रॉयल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग राइट डाउन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन फैक्ट्री डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन फैक्ट्री राइट डाउन द नेक्स्ट रेंट रेंट ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट रेंट ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट रेंट ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट नेक्स्ट एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओके एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नाउ लवली पीपल लिसन टू मी केयरफुली इसके बाद में लास्ट पॉइंट अभी मैं लिखा कर दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास का ध्यान इधर चाहिए मुझे एवरीवंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद में नंबर लगता क्या ट्रेडिंग का और ट्रेडिंग का बाद नंबर लगता किसका पीएनएल धोखा कोई नहीं देगा ट्रेडिंग का बैलेंस तुम किधर ट्रांसफर कर दे पीएनएल वैसे बेटा मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस ज्यादा ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में सुंदर टीचर ने बचपन से क्या सिखाया डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक और टू क्या सिखाया परचेसेस अब बेटा अगर परचेस नहीं कर रहे हो तुम खुद ही बना रहे हो तो कॉस्ट तो डेबिट मारने को ना खुद ही बना रहे हो तो वो कॉस्ट कहां से निकलती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुमने ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे सीखा होगा ना बेटा यू क्रिएटेड ट्रेडिंग अकाउंट से यस सो ट्रेडिंग अकाउंट में यू रोट टू ओपनिंग स्टॉक एंड यू रोट व्हाट टू परचेसेस परचेस इज कॉस्ट परचेस इज व्हाट कॉस्ट बट अब मैं परचेस नहीं कर रहा हूं मैं खुद बना रहा हूं तो वो कहां से आएगा मैन्युफैक्चरिंग सो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट किधर ट्रांसफर हो जाती है ट्रेडिंग और ट्रेडिंग का जीपी कहां ट्रांसफर हो जाता पीएनएल और पीएनएल अकाउंट का एनपी कहां ट्रांसफर हो जाता बैलेंस शीट कैपिटल ये फ्लो समझ में आया क्या तो अगर आप देखेंगे मॉड्यूल में तो मॉड्यूल ने क्या लिखा इधर मॉड्यूल ने क्रेडिट में लिखा है ये देखो इसका बैलेंस कहां जाता है ट्रेडिंग अकाउंट कैन यू सी इट तुम्हें पता चल रहा है क्यों क्योंकि बेटा ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट किसका पार्ट बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट का अब ये इनका मूर्ख बना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद में इसका जिक्र नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद में इसका जिक्र नहीं है क्योंकि ये यहां से ट्रांसफर हुआ क्रेडिट सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में दिखने को ना और वहां पे जिक्र नहीं है जिक्र क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिर्फ सिखाया है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को परचेस ही करना पड़ेगा वो बनाते तो है नहीं इसलिए बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है तो अगर आप यहां पर देखोगे बराबर है बट डेबिट साइड में उन्होंने नहीं लिखा है ट्रेडिंग के क्यों क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग है शुरुआत में चैप्टर का नाम दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देख लो अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये देखो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज दिख रहा है क्या सो ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने नॉन मैन्युफैक्चरिंग का सिखाया बेटा इसलिए आप वो वाला जो क्रेडिट दिख रहा है फिगर वो इधर डेबिट में नहीं दिखता कहता है क्या पर मैं जो बोल रहा हूं वही सही है ट्रेडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट होगा वही क्या होगा डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट को अभी तक नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं पक्का समझ में आ गया सभी को मुझे नहीं समझा कॉस्ट कहां जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एग्रीड तो बेटा अभी फ्लो बना लेते क्या तो अगर किसी ने पूछा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या दिखाता है कॉस्ट या प्रॉफिट वेरी गुड और ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है ग्रॉस प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट क्या दिखाता है You are amazing. So boys and girls, let's write down the next heading. Next point in manufacturing account. The cost of manufacturing is transferred to. The cost of manufacturing is transferred to. The cost of manufacturing is transferred to. Kude. Trading account is transferred to trading account.
इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. हैव यू डन सर? आर यू रेडी सर? यस सर. रसगुल्ले. अब सुन, ध्यान से सुनो पांडे जी. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक बार रिवाइज करते फिर आगे बढ़ेंगे. गई नको कोई बताओ बिना देखे, ठीक है? तुम बताओगे कि मैं पूछूं, नहीं मैं पूछूंगा तो फिर तो तुमको आता ही है, फिर समझ में आ जाएगा ये यहां पर लिखना है. तो मैं इमेजिन करता हूं कि तुमको विजुअलाइज करते आ रहा है क्या एग्जाम में. डेबिट साइड फर्स्ट आइटम, पूरी क्लास बोलेगी किसका और कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस, ये दो आया. फिर परचेस ऑफ व्हाट, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स रहा तो इधर नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. वेरी गुड. नेक्स्ट एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस के एग्जाम्पल देखते हैं. वेजेस, चलो मैं पूछो. वेजेस, रॉयल्टी, सैलरी, पक्का. पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पी एंड एल, दोनों में फर्क है. पावर इज जनरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज जनरली रिलेटेड टू ऑफिस, और वहां पर जो होता है वो यूज होता है पावर, मतलब वहां पर वर्ड यूज होता है पावर. जैसे आप देखते हो ना हॉर्स पावर, तो वहां पर जनरली वर्ड क्या यूज होता है? पावर फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अरे कहता है क्या है, इधर वर्ड क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी. चलो रॉयल्टी, पक्का. रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री, यस क्लियर. चलो क्रेडिट साइड में बोलकर बताओ. क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस. और एक क्रेडिंग, एक आइटम और, सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको. और लास्ट में इससे निकलता क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर इसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो तुमको पर यूनिट कॉस्ट भी मिल जाएगी. और ये जो कॉस्ट है ये कहां पर ट्रांसफर हो जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट. एग्रीड? तो बेटा आपके मॉड्यूल में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन है ऑन मैन्युफैक्चरिंग के, MCQ है, और वहां पर आपके आंसर मैच नहीं होते. द रीजन इज क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को कभी पढ़ते ही नहीं, डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश करते हो, गड़बड़ होती है. अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ लिया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन एंड नाउ टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट विच इज गोइंग टू टेक अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम टुडे. नो वन इज गोइंग टू राइट, एवरी वन इज गोइंग टू फोकस. थोड़ा सा आगे, आगे मतलब इंटरमीडिएट में. He is asking कि suppose if you are inventing something new, so then that goes in AS 26, intangible asset research and development cost at intermediate level. सुनता है क्या तू? मैं ट्रेडिंग अकाउंट सिखा रहा हूं. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये अकाउंट है, और अनफॉर्चुनेटली हमने इसको रट्टा मारा है. यह एक्चुअली अकाउंट है, इसमें एंट्रीज आती है. मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो एन अकाउंट, ट्रेडिंग इज ऑल्सो एन अकाउंट, P&L अकाउंट इज ऑल्सो एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज ओनली अ स्टेटमेंट, बट बाकी इसमें तो एंट्रीज आनी चाहिए. एग्रीड? सो नाउ ध्यान से सुनिए, हमारे ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, काय म्हणतात त्याला, सेल्स, परचेसेस, फिक्स्ड असेट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड, फलाना ढींगड़ा, अमकन, डमका, टमका. समझ में आ गई बात? ध्यान में, बहुत सारे अकाउंट होते हैं. अब ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करनी पड़ेगी. तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं हम 5 हिस्सों में. ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं हम कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में. पहला वाला ध्यान से सुन पांडे जी, एक्सपेंस, इनकम, देन थर्ड कैपिटल, इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? असेट. एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट? ये 5 आइटम होते हैं. बता दो जरा जल्दी से कौन से, एक्सपेंस, इनकम, ये 5 आइटम हुए. ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इस केस में एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस, असेट को होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस.
ठीक है, जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हम ये भी एक कोशिश करेंगे ट्रायल बैलेंस को भी इसके साथ में निपटा दे, एग्रीड? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अकाउंट रॉन्ग प्लेस्ड हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आगे जाकर ट्रायल बैलेंस भी इसके साथ ही खत्म करा दूंगा। ये बेटा जी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखेगा और लाइबिलिटी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेगी। कैपिटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखेगा, इनकम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखेगा। अब ट्रायल बैलेंस का मतलब यह है बेटा जी कि जो भी बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं वो आए हुए हैं लेजर से, लेजर अकाउंट से। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के ऊपर का पार्ट क्या होता है? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि उसकी एंट्री हो गई है, इसका मतलब समझ जाओ कि उसकी एंट्री हो चुकी है। कैन आई आस्क यू वन थिंग? जैसे एक एग्जांपल देखना, सैलरी की एंट्री करो, सैलरी टू कैश, ओके। तो मैंने ऐसे लिखा सैलरी टू कैश, एग्रीड? फिर यहां से जर्नल एंट्री होने के बाद में वो तुमको लेजर में जाती है, सैलरी और कैश, और डेबिट साइड में लिखते हो तुम टू कैश, और इधर लिखते हो बाय सैलरी, हाय नहीं। अब ये वाला सैलरी का अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे सिखाया होगा ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस में जाता है तो इधर लिखा रहता है सैलरी डेबिट साइड में। बेटा ट्रायल बैलेंस में किसी आइटम का आगमन हो गया है, इसका मतलब उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। सो दैट इज द रीजन व्हेन एन आइटम इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस यू ओनली गिव वन इफेक्ट ऑफ इट इन पी एंड एल अकाउंट। और वो इफेक्ट क्या होता है पता है क्या? जैसे सैलरी का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, अब इसको क्लोज करना है तो देखो सैलरी अकाउंट दिख रहा था क्या आपको? अबे हो नहीं, टू क्या लिख रहे हो आप इधर? टू कैश 1000, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इस सैलरी अकाउंट को तुम ट्रांसफर करते हो बाय पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला था पी एंड एल इज ऑल्सो एन अकाउंट। सो ये ट्रांसफर किया आपने 1000, या बाय ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर क्या होता है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आप इधर आकर लिखते हो टू सैलरी 1000। तो एक्चुअली ये डबल इफेक्ट हो रहा है, अरे हाँ नहीं, बट सैलरी अकाउंट आप बनाते नहीं हो, आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हो पी एंड एल अकाउंट। इसलिए मास्टर ने क्या सिखाया, मास्टर ने क्या सिखाया कि अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में है तो उसका इंपैक्ट कितना जाता है, एक। ये भी लॉजिक क्लियर हो, क्योंकि सैलरी अकाउंट की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, अब उसको सिर्फ क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है किसके अंदर, पी एंड एल अकाउंट से। यस, मुझे नहीं समझा, बताओ क्या करते हम? सैलरी को जब मैं ट्रांसफर करता हूं राइट, तो जब वो पी एंड एल, सॉरी वो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में, हाँ वो कहां पे है, ट्रायल बैलेंस में। तो आप मुझे इतनी सी बात देखकर बताइए, सोचकर बताइए, क्या उसकी एंट्री ऑलरेडी हो गई है क्या? तो उसका इफेक्ट कितना आएगा, एक। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम का इफेक्ट एक, दुनिया इधर की उधर हो जाए तुम चेंज नहीं होगे, ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट एक। तुम्हें पता है ट्रायल बैलेंस कौन बनाता है? ट्रायल बैलेंस बुककीपर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बुककीपर बनाते हैं, और वो ट्रायल बैलेंस बनाकर हमें दे देते हैं। फिर उस ट्रायल बैलेंस को हम इंपैक्ट देना शुरू करते हैं इन ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दैट ओके? सो रूल नंबर वन तो क्लियर हुआ कि ट्रायल बैलेंस आइटम अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस गिव ओनली हाउ मच इफेक्ट, गिव ओनली वन इफेक्ट। ओके, ये समझ में आ गया, डन। बट बेटा जी जो बुक कीपर होता है उसकी ज्यादा दिमाग नहीं चलता है उसका, उसको सिर्फ एंट्री करने के लिए बोला जाता है कि जो आपके वाउचर्स बनकर आ रहे हैं आपको, वो एंट्रीज करते रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और वो डिवाइड हुआ इसको वर्क रहता है। कैशियर सिर्फ कैश के एंट्री करता है राइट, एचआर डिपार्टमेंट वाले सिर्फ एम्प्लॉयज रिलेटेड एंट्री करते, अलग अलग लोग अलग अलग एंट्री कर रहे होते हैं हर जगह पे, फिर उन सभी का डेटा मर्ज होकर एक ट्रायल बैलेंस बनता है, और वो ट्रायल बैलेंस तुम्हारे पास होकर आता है, बट वो रॉ मटेरियल है, वो फिनिश नहीं है, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक बात कराता हूं, आप खड़े हो जाएंगे संतोष के पीछे एग्जैक्ट। बेटा आपका नाम अमन, अमन मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप किसी एंटिटी के कैशियर हो, तुम किसी एंटिटी के क्या हो, कैशियर हो, और तुमने रेंट भरा राइट, तुम्हारे पास वाउचर है, रेंट भरा है, यह एंट्री कर खत्म हो जाएगा। क्या एंट्री करता है, रेंट टू कैश। इसके पास उससे ज्यादा टाइम नहीं है, उसको डेटा पंचिंग करना है, खड़गड़ 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 खड़गड़, उसका स्पीड पर काम चलता है, उसको पैसा उसका टाइम देने के लिए करना पड़ता है। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दो ही एंट्री करता है, कैश आई कैश गई,
कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई। और अगर मान लो कैश गई तो वह एंट्री करता है एक्सपेंस और व्हाटएवर टू व्हाट कैश। इसके पास इतना ही काम होता है और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, मान लो ट्रांजेक्शन हुई दिन के अराउंड 1000 ट्रांजेक्शन कैश की, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से इमेजिन करो, तो इसका काम इतना ही है सिर्फ उन 1000 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अब 1000 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा, हाँ या नहीं? तो इसको इतना ही काम दिया जाता है, डन। जैसे बैंक में इमेजिन करो, उनको उतना ही काम दिया जाता है। फिर सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, मतलब ये इतना काम कर छोड़ देता है, फिर क्या होता है? देखिए, रेंट टू कैश, बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 13 महीने का रेंट दे चुका हूं 13,000, बट अभी ये तो ट्रायल बैलेंस में आ गया रेंट, टीबी में आ गया ना रेंट, कितना रेंट आया 13,000, क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस है, दिख रहा है क्या? फिर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है, एडजस्टमेंट कहां पर? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 1000। अब ये कैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूं। लास्ट में हम फाइनलाइजेशन जब करने के लिए बैठेंगे तब हम रेंट ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेंगे 13,000 रेंट है, हम कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे उसका, रेंट एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट को खोलकर देखेंगे रेंट कितना है 1000 पर मंथ, भरा 13,000 है और दिख भी रहा है कि भरा 13,000 है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये प्रीपेड रेंट है। प्लीज फील इट, इसके हाथ में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट सीनियर लेवल पर होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं एक जगह पे सेव होता है। जब तुम ऑडिट करने के लिए जाते हो या जो मैनेजरियल पर्सन है, रेंट की एंट्री आ रही है मतलब वो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट निकालो, उसका एग्रीमेंट निकालो, चेक करेंगे, एग्रीमेंट चेक करते हो पता चला कि पर महीने का रेंट 1000 रुपए है, बट साला इधर तो कितना जा रहा है 13,000, तब उनको पता चलेगा कि रेंट इज प्रीपेड और तब जाकर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट आपको सुंदर टीचर ने बताया क्या, लेस फ्रॉम रेंट एंड बैलेंस शीट असेट साइड, बट बेटा ये तो हो गया एड लेस एंगल से, हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, प्रीपेड रेंट को कौन सा बैलेंस, प्रीपेड रेंट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो देखो बेटा मेरी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू व्हाट रेंट। ये ट्रिक बता दूंगा मैं वापस आपको एक्रूअल की, कि मैं फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। एंट्री क्या हुई, प्रीपेड रेंट टू व्हाट रेंट, ये बात समझ में ही गया। अब बेटा रेंट को कितना बैलेंस था, डेबिट था क्या 13,000, अब रेंट को हो जाएगा इधर क्रेडिट 1000, तो अभी रेंट कितने का बन जाएगा 12,000, तो बराबर 12,000 आया कि नहीं आया। तुम उसको एडलेस करके करते थे, एडलेस करने की जरूरत नहीं, एंट्री मारनी पड़ती है। एंड व्हाट इज द एंट्री, प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब प्रीपेड रेंट क्या है, ये असेट है, ये कहां जाके बैठेगी, बैलेंस शीट असेट साइड। मुझे नहीं समझा, बताओ। फाइनल अकाउंट में एडलेस होता है कि एंट्रीज होती है, और अगर एंट्रीज होती है तो हमें हर एक की एंट्री विजुअलाइज करनी पड़ेगी क्या नहीं? ये एंट्री आप तभी विजुअलाइज कर सकते हो जब तुमको 5 आइटम के बैलेंसेस पता है, असेट को डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट और कैपिटल को क्रेडिट। क्लियर है? तो जब भी मैं एक्सपेंस को डेबिट कर रहा हूं तो मैं एक्सपेंस को बढ़ा रहा हूं, जब मैं एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं एक्सपेंस को कम कर रहा हूं, जब मैं इनकम को क्रेडिट कर रहा हूं तो इनकम को बढ़ा रहा हूं, और इनकम को डेबिट कर रहा हूं तो इनकम को कम कर रहा हूं। से हो तो मैं भी आपको पूछता हूं कि क्या कर रहा हूं मैं, तो मतलब सुंदर टीचर के साथ में हम दोनों मैच कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं तो क्या तुम बोलोगे सर काय खड़त नहीं है। पूछो, मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड रेंट का सुंदर टीचर ने क्या बताया था आपको, प्रीपेड रेंट एड लेस में बताओ, लेस फ्रॉम रेंट एंड बैलेंस शीट असेट साइड, बराबर यही बताया था ना, लेस फ्रॉम रेंट एंड बैलेंस शीट असेट साइड। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, एक्सपेंस है उसको कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अगर मैं मेरी एंट्री में उसको डेबिट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। अगर मैं मेरी एंट्री में क्या कर रहा हूं, एंट्री में डेबिट कर रहा हूं एक्सपेंस को, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट कर रहा हूं ना, इसको डेबिट बैलेंस होता है, और वापस डेबिट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड। अगर मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, लेस। मुझे नहीं समझा, मैं अभी आपसे पूछूंगा, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर मैं इनकम को क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, ऐड। अगर मैं उसको डेबिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, लेस। असेट को कौन सा बैलेंस, अगर मैं उसको डेबिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, अगर मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। ये लॉजिक दिमाग में भरो पहले, अगर मैं उसको डेबिट कर रहा हूं तो मैं उसको कर रहा हूं ऐड, किस केस में, असेट के केस में, ठीक है? तो अभी हम पूछेंगे आपको, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी को, इनकम को, कैपिटल को, असेट को, बराबर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, अब तुमको आंसर देना ऐड या लेस, गोबर मत करना,
ऑन द काउंट ऑफ थ्री यू हैव टू गिव मी 1 2 3. पहले आंसर दिया तो पहले ही बता रहा हूँ, खड़ा करूँगा पीछे. रूल सिंपल है, क्योंकि पूरी क्लास को आना चाहिए. मेरा इंटेंशन कोई एक बच्चा नहीं है, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर. इसीलिए ऑन द काउंट ऑफ थ्री, किसी को घाई नहीं है, कोई पेशेंस नहीं छोड़ेगा. ए जाके दिखा क्या हूँ डॉक्टर को, शनिवार उड़ा के बाहर बैठते वो बोले जब थक जाते 2 मिनट में, सीधे क्यों नहीं बैठ पाते हो तुम. अच्छा चल छोड़ भाई, मेरे को छोड़ तू, मैं तो थर्ड क्लास आदमी है. बट एक दूसरे इंसान के नाते पूछ रहा हूँ, नाम क्या है आपका? कौन सा थीन? जो भी होगा सुन मेरी बात, मेरी बात सुन. जो भी होगा तेरा नाम, मेरी बात सुन ध्यान से. तुझे लगता है कि अपन क्लास में जाए तो सही से बैठना चाहिए कि नहीं लगता? मतलब अगर तू कहीं थिएटर में जाएगा और पैर ऊपर करके बैठे तो सभ्यता है कि असभ्यता है? मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ सही सिखा रहा हूँ, और इसके लिए ऑप्शन नहीं होता बेटा. तुम भले ही कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, वही व्यक्ति को लोग सल्यूट ठोकते हैं जो व्यक्ति अपने आचरण से एक चीज़ दिखा सकता है कि वो सभ्य इंसान है. इट इज़ मस्ट, इट इज़ मस्ट. इफ टुमारो आई कम हियर एंड आई टीच द वे आई वॉन्ट, जैसे भी, तो नहीं है वो चीज़ नहीं चलती. तुम्हें लगता है ये चलता है, ऐसा नहीं चलता है. एक आई शेयर अ वेरी स्मॉल स्टोरी विथ यू, वेरी वेरी स्मॉल स्टोरी विथ यू. देर वॉज अ गाय हु यूज टू लर्न विथ मी, ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज एन इंजीनियर. उस आदमी की एक प्रॉब्लम, वो बोलता है कि सर मैं सिर्फ रात में पढ़ सकता हूँ, रात में काम कर सकता हूँ. ही वॉज वर्किंग विथ मी, तो जॉब करता था, तो ही यूज टू ओनली वर्क इन द नाइट्स. काम दो, घर पर काम करता था. मैंने बोला अबे मूर्ख है क्या तू, क्या एटीट्यूड बना के रखा है, क्या तेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती है? तू रात को काम करेगा तो कौन लेने वाला है तेरे को? यू हैव गॉट सच अ बिग पोटेंशियल एंड ब्लडी डैम इट यू आर वर्किंग विथ मी, और तू तेरा टैलेंट वेस्ट कर रहा है इधर पूरा का पूरा. क्यों? जस्ट बिकॉज तू तेरी गुर्मी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है. कई बार ये चीज़ें अपने को पता भी नहीं चलती रहती जब तक कि कोई उसको समझा के बता ना दे. तो उसको पहले मैंने काम करने दिया, एंड देन आई मेड हिम रियलाइज दैट योर पावर पॉइंट्स आई एम यूजिंग इट फॉर सो मेनी क्लासेस. हु हैज एडवांस्ड, मी और यू? ही सेड सर यू. हाउ मच डिड आई पे? आई सेड आई पेड यू ओनली मीगर, बहुत कम पैसा दिया मैंने तेरे को. बट तुम मुझे बताओ कि जो पावर पॉइंट बनाने का था तुमने एज अ स्किल्ड एम्प्लॉय काम किया या अनस्किल्ड? तो बोला स्किल्ड, क्योंकि सर मेरे को सारी चीज़ें आती थी, मैंने आपको जो मतलब आपने जो थोड़ा बहुत समझाया मुझे, हिंट दिया, उसके बेसिस पर मैं बनाकर लेकर आ गया. और कई बार तो जो मैंने बताया उससे कई गुना अच्छा बनाकर लेके आया वो. मैं तुमको दिखाऊंगा उसके पावर पॉइंट कुछ, अगर तुमको देखनी तो, अभी भी है मेरे पीसी में. तो मैंने पूछा तूने जो काम किया उसका जो तुझे मोह बदला मिला वो सही मिला या गलत मिला? तो सर सर कि अगर लॉजिकली बात करूँ तो कम मिला. मैंने बोला क्यों कम मिला, गेट इन टू द लॉजिक. ही सैड सर पॉसिबली आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है. मैं बोला मूर्ख है तू, मेरी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं नहीं मैंने उसको सही बताया, मैं बोला मूर्ख है तू, मेरी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तू काम करने कहाँ आया वो सोच, तू मेरे ऊपर क्या उंगली उठा रहा है, तू कहाँ काम करने आया वो सोच. तो ही सेड यस, आपके पास क्यों आया? क्योंकि बेटा तू कहीं और जाने के लायकी का नहीं बनाया, क्योंकि तेरे खुद के विम्स एंड फैंसेस है. यू वॉन्ट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट एंड इट डजेंट हैपन दैट वे. मिस्टर नरेंद्र मोदी इज गिवन एन एनवायरमेंट वेयर ही सब्जेक्टेड टू हेट्रेड एवरी डे, स्टिल ही सेज आई एम गोइंग टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट. एनवायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, आपको उसके हिसाब से फिक्स फिट बैठना पड़ता है. जो मैं सिखा रहा हूं वो सही है, क्लास में सीधा ही बैठना चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट कम एंड टेल कि नहीं मेरे को बोर हो रहा है मैं ऐसा बैठेगा, नहीं चलता है बॉस. इधर तुम कभी अगर सेल्स मैनेजर रहे और तुम क्लाइंट के साथ बैठ गए, मतलब तुम्हारे सेल्स मैनेजर तुम क्लाइंट के साथ बैठ गए और तुम पूरे डल हो, कभी तुम्हारे पास वो सेल आ जाए तो बता देना मुझे. हर एक एरिया का एक एटीट्यूड होता है, वहां पर वैसे ही जीना चाहिए. जब तुम घूमने जाओ, गोवा जाओ, सो बी लाइक एनीथिंग. जब तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ हो, एंजॉय करने जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, बी लाइक एनीथिंग. व्हेन यू आर लर्निंग यू कैन नॉट बी लाइक एनीथिंग. डिसिप्लिन इज मस्ट सर, मस्ट, इट इज मस्ट. तुम्हें पता है जो आदमी कहां पर है? तुमने अभी ये बात सुनी, उसके बाद में जब उसको क्लिक हुआ कि जो सर बोल रहे बराबर है, कि मैं उसको कम नहीं दे रहा हूं, तू खुद अट्रैक्ट होके आया मेरे पास, मैंने तुझे जॉब ऑफर नहीं किया था, तू आया मेरे पास जॉब करने के लिए और आकर बैठा है मेरे पास जॉब करने के लिए, और जो मैं दे रहा हूं वो स्वीकार भी कर रहा है, क्योंकि तू तेरे विम्स एंड फैंसिस के हिसाब से काम करता है. एंड टुडे दैट पर्सन बिकम्स इन्वेस्टमेंट बैंकर.
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्लाइट चेंज. ये फर्क होता है लाइफ में. एक आदमी जो काम कर रहा था 10,000 रुपए पर मंथ, दैट पर्सन चेंजेस द फॉर्च्यून एंड ही बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकर वेर इज हैंडलिंग द पोर्टफोलियो ऑफ नाउ मेनी पीपल. ये डिफरेंस होता है. टेक्सटाइल इंजीनियर होने के बाद में ही बिकेम सीए विथ मी. तुमको भी यही बात ध्यान रखनी है. तुम्हारे टैलेंट में कोई कमी नहीं दोस्त. और जब मैं देखता हूं तो मैं पहचान जाता हूं. तुमको आज नहीं, 3-4 दिन पहले, कितने दिन पहले बता दिया मैंने. मूर्खता क्या है पता है तुझे तेरे में, कि तुला स्वतःला कराइच नहीं है, मागे राइच है तुला. इससे कभी नहीं जाएगा आगे. एंड यू विल ऑलवेज यू नो कीप ऑन क्रेविंग टू द गॉड, मैं सब कुछ करता है, मैं टैलेंटेड है, ये फिर भी क्यों नहीं मिलता है. क्योंकि घंटा तू फिट नहीं बैठता है. चीज़ें बहुत सारी है अपने पास ब्यूटीफुल, फिट तो बैठनी चाहिए ना. समझ आ रही बात. फिट बैठने वाला इंसान चाहिए. तुम्हारे पास सोना होगा बहुत और तुमको तुम्हारे पैर में बिठाने का है वो कुछ, तो फिट बैठने वाली चीज़ चाहिए ना. ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बैठती. सोच के देख लेना घर पर, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ. यू शुड बी मेड नॉट टैलेंटेड, यू शुड बी फर्स्ट मेड हाउ टू लिव इन दिस सोसाइटी फर्स्ट. वो रूल्स है उसके, कुछ उसके हिसाब से रहो. अभी किसी को कंप्लेन आएगी कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ सीधा बैठ बोले तो? सीधा बैठना जरूरी है कि नहीं है? क्या ऐसा तुम नीचे सिर डालकर बैठ सकते? हाँ, एक आध बार इसकी तबीयत ठीक नहीं तो मैंने भी इसको बोला ना कि ठीक है मैम आप मत बोलो. बट इफ यू आर वेल देन यू हैव टू परफॉर्म लाइक यू आर वेल. चला छोड़ा आनंद, रिलैक्स एंड लेट्स गो ऑन. अभी अगर सिर चला गया ना नीचे पांडे जी, मजाक ने भाला घालीन मागे पाठित. हाँ, फर्स्ट असेट को कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी को, कैपिटल को. चार बार कम से कम करा चुका हूं मैं आज यही चीज, और वापस तुम डिस्टर्ब करते हो. एक्सपेंस को, इनकम को, क्रेडिट. एंड द काउंट ऑफ थ्री यू हैव टू गिव द आंसर. मैं आपसे पूछूंगा ऐड करना है कि लेस करना है. तो पहले मैं आपको 12th के टीचर का लॉजिक सिखा रहा हूं, ताकि अगर वो पता रहेगा तो एंट्री भी एकदम इजीली बन पाएगी. मतलब अपन उस नॉलेज को भी छोड़ेंगे नहीं, यूज करेंगे. ठीक है. अब मैं अगर आपको बोलूं कि असेट इज डेबिटेड, मींस व्हाट यू हैव डन ऑन द काउंट ऑफ थ्री, बोलो ऐड. क्लियर है? इफ आई से यू लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड ऑन द काउंट ऑफ थ्री. If I say you income is debited on the count of three. Yes. If I say you expense is credited on the count of three. Yes. Less. Are you understanding? So, बेटा जी, जब अब मैं एंट्री करना सिखाऊंगा आपको, जब मैं बोलता हूं add, right, या less, उसको मैं डेबिट और क्रेडिट के एंगल से सिखाऊंगा. तुम वो अप्लाई कर देख लेंगे अभी हम. ठीक है. तो पहली चार एडजस्टमेंट जो आपको सिखाई गई थी, पहली प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूड इनकम. ये चारों बता दूं? यस. सो बेटा देखो, पहली वाली एंट्री मैं आपसे बता रहा हूं, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट. ओके, नाउ आई विल टेल यू, प्रीपेड रेंट इज एन असेट एंड रेंट इज एन एक्सपेंस. Prepaid rent is an asset and rent is what? Expense. Now common sense याद करो 12th के teacher को. Agreed. First, rent is what? Expense. उसको मैं इस entry में क्या कर रहा हूं? Credit. अरे हाँ नहीं, तो तुम मुझे सोच के बताओ add होगा कि less? Less. तो तुम भी rent में से less करते थे कि नहीं? Prepaid. Prepaid insurance, prepaid rent. और उसका second effect कहां जाता है? Balance sheet, asset side. Because it is an asset. Say yes or no. So lovely people, अब इसकी ट्रिक देखो. प्रीपेड रेंट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. एंट्री हो गई प्रीपेड रेंट टू रेंट. से यस. सेकेंड एंट्री बेटा जी, अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री करने की. एग्रीड? सो बेटा देखो एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ट्रिक देख लो, ट्रिक. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. ये क्या है? लाइबिलिटी. और प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. ये लॉजिक से मैं आगे जा रहा हूं. सो प्रीपेड रेंट टू रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेंस को मैं क्या कर रहा हूं? डेबिट. तो मैं क्या करूंगा, एड या लेस? एड. तो याद है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी टीचर सिखा दी थी, गोइंग सैलरी एड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. एंट्री ये होती है. एग्रीड? नाउ नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, थर्ड, अक्रूड इनकम.
इनकम रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एग्रीड? इंटरेस्ट रिसीवेबल या अक्रूड इनकम को कौन सा बैलेंस? आवाज नहीं, अक्रूड इनकम को, इंटरेस्ट रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस? डेबिट। ये असेट है, ये क्या है? असेट है। तो एंट्री क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट की मेरी एंट्री होगी क्या? अक्रूड इंटरेस्ट टू व्हाट? समझ में नहीं आया, बताओ क्या आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, पक्का? हाँ या नहीं? अब मुझे बताओ, ये हुआ इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसको तुम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से बोलते थे, वो थर्ड क्लास था। आउटस्टैंडिंग इज यूज फॉर एक्सपेंस, अक्रूड इज यूज फॉर इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अगर मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलूं तो समझना कि वो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है। तुम साला इनकम को भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं और एक्सपेंस को भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते, गलत है। एक्सपेंस से जुड़ा हुआ आइटम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बनता है और इनकम से जुड़ा हुआ आइटम अक्रूड इनकम बनता है। कड़ते पटते मिकाय बोलते थे। तो अब मुझे बताओ, इसकी एंट्री क्या हुई हमारी? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन इनकम, राइट? इनकम को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो आप क्या करते थे इंटरेस्ट में? एड, और बैलेंस शीट असेट साइड। याद आ रहा है क्या? अक्रूड इनकम को तुम क्या बोलते थे बताया क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखते थे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, मिलना है अभी बाकी। कड़ते काय एंड शेवर्ट्स ऑफ फोर्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ये बोलो ना जल्दी से, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो क्या एंट्री आएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। अब मुझे बताओ, इनकम को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। अगर मैं उसको डेबिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? लेस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस याद आ रहा है क्या? लेस फ्रॉम इनकम एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अब मुझे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, एड लेस मैंने करा दिया, आपको लिंक लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करता हूं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट प्लीज घाई नको करो। इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज एक्सपेंस एंड द थर्ड वन, सेकेंड वन इज इनकम, राइट? देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंस एंड द सेकेंड वन इज वॉट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और बेटा जी, इनकम इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेहो नहीं बढ़ाया, और लास्ट वन इज वॉट? अक्रूड इनकम। से यस, सेकेंड वन इज वॉट? अक्रूड इनकम। तो अभी प्रीपेड, इसके सभी के एग्जाम्पल बता दो। प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? अबे आवाज नहीं आ रही है, एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस विल गो इन बैलेंस शीट असेट साइड एंड टू एक्सपेंस बोला मतलब लेस फ्रॉम एक्सपेंस, यही करते थे ना तुम। नेक्स्ट बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट इज द एंट्री? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तुम क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड इन एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंट्री इज व्हाट? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका बैलेंस ध्यान में रखो बेटा। इसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट, इसको डेबिट, इसको डेबिट, हाय नहीं? चलो जल्दी से बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री क्या है? कुछ भी नहीं समझा है, पक्का? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ओके, तो अगर मैं इनकम को डेबिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? लेस। इसीलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सुंदर टीचर बता दी थी, गो टू द बैलेंस, सॉरी, गो टू द इनकम लेस एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एंड व्हाट अबाउट अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम की एंट्री है अक्रूड इनकम टू इनकम, एग्रीड? इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? एड। इसीलिए तुम्हें याद है क्या, तुम इनकम में जाते थे और करते थे एड, और कहां लिखते थे? बैलेंस शीट असेट साइड। तुम्हें थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ एडलेस का, अभी तुम एंट्रीज में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो रियल लाइफ क्या होती है, एंट्रीज या एडलेस? तो एंट्रीज आना जरूरी है। किसी भी बच्चे को मैं खड़ा करके पूछूंगा, अभी आप पहले चार्ट कंप्लीट करो और फिर उसके नीचे एंट्रीज भी लिखो। किसी भी बच्चे को पूछूंगा मैं उठाकर, और ये भी पूछूंगा एडलेस में क्या करते हैं। आए क्या बात है पांडे जी, ऐसा क्या करते हो?
शेल वी आस्क यू, शेल आई आस्क यू? यप, यस गुड़िया, तेरा फेवरेट कलर बता जल्दी से। रेड रेड रेड, ए रेड कलर, खड़ा हो जा। तू नहीं, तू बैठ, वो पीछे वाला रेड खड़ा होगा। हाँ तेरा रेड कलर है ना, दिस लगा रेड कलर तू लाता। हाँ चलो, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बता, पूरी बता देना यार, इतना शॉर्टकट क्या मार रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, सभी लोग सहमत है क्या? अब मुझे बता इसका ट्रीटमेंट क्या करते हम? प्रीपेड एक्सपेंस कहां दिखाया जाता है? हाँ बराबर है, बट प्रीपेड एक्सपेंस कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट असेट साइड या कहां दिखाया, कहां जाता है? बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट, कहां पे? बैलेंस शीट असेट साइड और पी एंड एल में क्या करते हैं? लेस। पक्का क्या बाबू बोल? 11th की एंट्री है ये, क्या करेगा प्रीपेड एक्सपेंस? कहां से? और बैलेंस शीट असेट साइड, पूरा बता मेरे भाई, तू शॉर्टकट में बताता बहुत अच्छा। मुझे बता फेवरेट कलर तेरा, तेरा भी रेडी है, बट बच्चन दे रहा है सालाना लाइक, रेड खड़ा हो जा रहे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बता, वेरी गुड, उसका ट्रीटमेंट बता। वेरी गुड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड और पी एंड एल अकाउंट में ऐड। पक्का तेरा फेवरेट कलर, वेट ए ब्लैक, तेरे पीछे वाला ब्लैक है, तू बैठ रहे खड़ा हो तू, मेरे को ब्लैक दिख रहा है, बात खत्म। तेरे को ब्लू दिख रहा है, मेरे को ब्लैक दिख रहा है, खड़ा हो जा तू। अक्रूड इनकम की एंट्री बोल, ऊपर देखकर बोल, खजाना है कि नीचे? अक्रूड इनकम की एंट्री बोल। हाँ अक्रूड इंटरेस्ट ही बोल दे भाई। हाँ मुझे ट्रीटमेंट बता दे, बैलेंस शीट असेट साइड, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरा देख ले नीचे, और एक बार देखकर बता व्यवस्थित। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड में? ऐड, यस। बीकॉम हो गया क्या? बैठ अभी आराम से, खड़ागड़न बस। तेरा फेवरेट कलर? ए भाई व्हाइट शर्ट, तू खड़ा हो जा। मेरा फेवरेट कलर लूंगा व्हाइट, खड़ा हो जा। हाँ तू ही व्हाइट, खड़ा हो जा, गड। और तेरे बाल भी ब्लैक है, उसने बुलाया इसलिए तेरे को उठाया, बात कर, कोई पार्शलिटी नहीं है। अच्छा गुंडू मुझे एक बात बता, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या होती है? आवाज नहीं आती है यार। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कहां जाता है इनकम? ऐड होता है कि लेस होता है? लेस, किसमें से? एब्सोल्युटली राइट, लेस फ्रॉम इनकम। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाता है? लाइबिलिटी। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। तो बेटा क्या मैं आपको यह बताने में कामयाब हुआ कि एंट्रीज के थ्रू इफेक्ट क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस, अरे यार प्रीपेड एक्सपेंस, ये अकाउंट अलग है और एक्सपेंस अकाउंट अलग है। तुमको लगता है सेम है, इट्स नॉट सेम। प्रीपेड एक्सपेंस अलग है और प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस अकाउंट अलग है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस टीबी में रहा, सो इट विल गो इन बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि इसको डेबिट बैलेंस होता है। मैंने बोला था ये असेट है, और ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। सो अगर आपने आपके ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंस देखा, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तुम्हें पता है अभी तक बच्चे ये गड़बड़ करते हैं और बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंस दिखा, सो गो इन एक्सपेंस एंड देन लेस देयर्स। इडियट नहीं है, क्योंकि वो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तुम खुद इतनी देर से बोल रहे थे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, यही बोल रहे थे ना, मतलब ये एंट्री हो चुकी है, एक्सपेंस को क्रेडिट हो चुका है, इसलिए अब वापस वो नहीं करना। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, ऑल दिस फोर आइटम्स आर बैलेंस शीट आइटम। इफ यू सी देम इन द ट्रायल बैलेंस, डू नॉट टेक इट इन टू द पी एंड एल अकाउंट, टेक इट इन टू वॉट? ट्रायल बैलेंस। सो राइट डाउन अ नोट, राइट डाउन अ नोट। प्रीपेड एक्सपेंस
प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस सेकेंड वन, प्रीपेड एक्सपेंस सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, आर ऑल बैलेंस शीट आइटम, आर ऑल बैलेंस शीट आइटम, आर ऑल बैलेंस शीट आइटम, बराबर है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, इफ दे अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, इफ दे अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, इफ दे अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, टेक देम टू, टेक देम टू, टेक देम टू बैलेंस शीट, इफ दे अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, टेक देम टू बैलेंस शीट। चलो अभी एक और एक यलगार हो जाए, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस अब कहां जाएगा, असेट या लाइबिलिटी, क्योंकि अब ये तो पता चल गया कि वो बैलेंस शीट में ही जाएगा, बट बैलेंस शीट में भी कहां, एक बार चेक कर लेते। प्रीपेड एक्सपेंस असेट, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, कोई तो लाइबिलिटी बोल रहा था, कौन था वो, तू ही देना भजन करने वाली ना लाइक। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लवली पीपल नमस्ते। अब सुनते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ द ट्रांजेक्शन। एंट्री सभी को क्लियर है, कैन आई गो एट नाउ, लेट मी टॉक टू यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो मैं सिखाऊंगा शायद थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने के लिए, बट लास्ट में मेरे पास उसका शॉर्टकट है और आपका एक भी आंसर गलत नहीं होने दूंगा उस शॉर्टकट से, बट पहले एक बार समझ लेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। आर यू रेडी विथ मी नाउ? ओके, सपोज बेटा मेरा रेंट, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा जा चुका है, इफ यू ओपन अप द स्कैनर मेनी मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। सपोज माय रेंट इज 1000 रुपीज, ओके, पर मंथ, तो बेटा 12 महीना का 12000 होगा, एक्रुअल कॉन्सेप्ट से एक्सपेंस होगा मेरा 12000, एग्रीड। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, मैंने इधर रेंट भरा ना कि 1000, मैंने मतलब ना कि 12000, आई पेड ओनली 11000, आई पेड हाउ मच 11000। सो देखो कैशियर ने एंट्री इधर क्या क्या की, कैशियर मतलब बुककीपर, बुककीपर ने एंट्री की रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक 11000, क्योंकि बेटा बुककीपर एकदम सीधा सिंपल भोला भोला इंसान रहता है, उसको कुछ घंटा झिपता नहीं रहता है, कितना भरा उतने की एंट्री करेगा वो, क्योंकि उसको दिन से रात तक सारे सिर्फ एंट्रीज एंट्रीज करनी होती है। सो व्हाट इज द एंट्री, रेंट टू कैश, एग्रीड। फिर तुम एज अ मैनेजमेंट या अकाउंटेंट तुम जाते हो, तुम चेक करते हो फाइनलाइजेशन के वक्त, तुम बोलते हो कि रेंट के एग्रीमेंट निकाल, रेंट के एग्रीमेंट देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि रेंट तो 1000 रुपये पर मंथ है और भरना चाहिए था 12000 रुपये, बट भरा है 11000 रुपये, तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट से आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ 1000 रुपये, सही है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एंट्री सिखाई, क्या एंट्री सिखाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, तो लॉजिकली कैन आई नॉट मेक द एंट्री रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यस। तो मेरे बच्चे ने एंट्री कर दी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, से यस, कैन आई नॉट से 1000 1000। अगर मेरा बच्चा रेंट अकाउंट बनाता है ऐसा, तो उसको ऐसा देखने को मिलेगा डेबिट साइड में, टू कायरे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, बोलना हाँ, आणि बाळा इकडे अजून काय लेना, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आएगा बाळा, ये 11000 और ये कितना 1000, और इस रेंट का बैलेंस चला जाता है बाय पी एंड एल अकाउंट 12000, से यस। ये मेरा बच्चा आज सीखा। अब जो तुमको सुंदर टीचर ने नहीं सिखाया था वो सिखा रहा हूं। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री होती है ये मैनेजमेंट करता है या ये अकाउंटेंट करता है, इसको थोड़ा बुद्धि रहता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट वगैरह। अब क्या होता है, ये जो एंट्री की जाती है यही एंट्री रिवर्स हो जाती है। क्यों रिवर्स होती है आगे देखेंगे, बस सर बोल रहे तो बात मान लो। द सेम एंट्री इज रिवर्स्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, पूरी बात ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री इज रिवर्स्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बोलो क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री इज रिवर्स्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये कौन करता है, अकाउंटेंट ही कर लेता है, बुककीपर को पता भी नहीं है। तो एंट्री क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, से यस,
कितना आएगा बेटा जी? 1000 1000, एग्रीड। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं, यहां पर रेंट है, यहां पर रेंट है 2000 रुपए, बढ़ गया होगा, तो मुझे बताओ पूरे साल भर का कितना जाना चाहिए? अबे आवाज नहीं आ रही यार। हां जी, 24,000। मैं अभी आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं, पेमेंट कितना हुआ होगा करंट ईयर में, पेमेंट कितना हुआ होगा मैं बताऊं? पिछले साल का 1000 करंट ईयर में पे हुआ होगा, और करंट ईयर का 11 महीने का पे हुआ होगा, क्योंकि मार्च का पेमेंट होता है अप्रैल में, बराबर है? तो पिछले मार्च का पेमेंट हुआ अभी अप्रैल में, और इस मार्च का पेमेंट होगा अगले अप्रैल में। अरे करता है का है? सो बेटा जी, मैं अगर सही बता रहा हूं तो बुककीपर ने अब एंट्री की होगी। ये किसने किया? अकाउंटेंट ने। बुककीपर एंट्री करेगा रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैलकुलेटर पर लो, मैं कई को लेते, मैं बताता हूं। 22,000 बोलने वाले काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। सही वाला फिगर बताओ, 23,000। कैसे? पिछले बार का 1000 और इस बार के 2000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 11 मंथ्स। तो कितना पेमेंट किया? 23,000। तो ये पुट्टा तो 23,000 की एंट्री कर चुप, चिड़ी चुप, एग्रीड। अब मुझे तो पता है ना कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है? एक महीने का। तो बेटा एक महीने की एंट्री में वापस क्या करता हूं? आउटस्टैंडिंग रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एग्रीड और नॉट? तो हम क्या करेंगे यहां पर, वापस अकाउंटेंट एंट्री करेगा रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एग्रीड और नॉट? कितना बेटा जी? 2000। अगर फील कर पा रहे हो तो ये देखो, रेंट अकाउंट ऐसा दिखेगा, राइट? रेंट अकाउंट पहले एंट्री देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, तो रेंट के क्रेडिट में बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, से यस 1000 बेटा। फिर नेक्स्ट रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो डेबिट में टू कैश ऑब्लिक बैंक 23,000, से यस। एंड रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2000 2000, तो क्या मैं इधर करूंगा क्या? टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। अब बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बाय पी एंड एल अकाउंट ऑटोमेटिकली आएगा 24,000। रियल लाइफ ऐसे चलती है बेटा, पी एंड एल अकाउंट 24,000 आ रहे क्या? चेक कर लो, तुम्हारे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तुम्हें पता ही नहीं कि इस लॉजिक से आते वो, और ये लॉजिक मैं अभी आपको देने वाला हूं विद अ ट्रिक। बट तुम्हें पहले ये जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आया कि एंट्री ऐसे होती है? सो मैं अभी आपको बताऊं क्या होता है। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री है वो एंट्री करंट ईयर में रिवर्स हो जाती है, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो एंट्री करंट ईयर में क्रिएट होती है। अब इसकी एक ट्रिक एकदम सिंपल है, पूरी क्लास अभी ध्यान से देखो। हमेशा हम अकाउंट ओपन करेंगे रेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रेंट अकाउंट, मतलब एक्सपेंस का, इनकम का, इसका अकाउंट ओपन करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट नहीं ओपन करना है, से यस। सो जब तुम रेंट का अकाउंट ओपन करोगे, मतलब एक्सपेंस का, सो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रेंट है, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग रेंट है। ट्रिक एकदम ही सिंपल है, आउटस्टैंडिंग रेंट को कौन सा बैलेंस? आवाज नहीं आई। आउटस्टैंडिंग रेंट को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, राइट? अब जरा याद करो, कैश बुक में कैश को कौन सा बैलेंस? सो डेबिट बैलेंस रहा, तो हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग लिखते थे क्या, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते थे क्या? सो बेटा मतलब यह है कि जो ओपनिंग बैलेंस है, जो कैश का बैलेंस है, उसी साइड में लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस उसके उल्टे साइड में लिखते हैं। हाँ नहीं? अब मैं आपको पूछता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट को कौन सा बैलेंस? आउटस्टैंडिंग रेंट को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। जो पिछले साल का है, मतलब रेंट अकाउंट बना रहा हूं पिछले साल का है, उसको क्रेडिट बैलेंस। पिछले साल का इस साल है, मतलब ओपनिंग बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, से यस। क्लोजिंग रहेगा कौन से? उल्टे साइड में, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसा घूर कर देखने की जरूरत ही नहीं, कैश भी तुम ऐसे लिखते आए, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। कैश को बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो उसी साइड में लिखते हैं जो उसका नेचर रहता है। जैसे अभी मैं पूछता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट को कौन सा बैलेंस, तुमने कहा क्रेडिट, मैं बोल रहा हूं जाके लिख क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग कहां पे लिख? डेबिट में। अब देखो तुम अपने आप आंसर दोगे, प्रीपेड रेंट हुआ, प्रीपेड रेंट हुआ, कौन सा बैलेंस है इसको? डेबिट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, यस और नो? अब बॉयज एंड गर्ल्स मैं आपको बता रहा हूं, कैश अकाउंट विल फॉलो ऑलवेज नेचर ऑफ अकाउंट। मींस व्हाट? रेंट पेड की एंट्री करो, रेंट पेड की एंट्री करो, रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो मतलब इधर डेबिट में लिख दो गेट टू कैश ऑब्लिक बैंक,
अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट। कर कर बताओ, मुझे पता है तुम्हें सदमा लगा है। मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर दूंगा, और मैं कभी आपको है ना इससे छोड़कर और एक एक्स्ट्रा लॉजिक दे दूं तो तुम मना कर देना, बट इतना कर लो एब्जॉर्ब, मतलब कोई भी फिगर देने दो घुमाकर, मैं उससे आंसर निकाल कर दे दूंगा आपको, बस ये इतने लॉजिक ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो मैंने रेंट बनाया, ठीक है, अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट कहां पे लिखूं, ओपनिंग बैलेंस, क्यों क्रेडिट साइड, लॉजिक, उसको बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, ओपनिंग रहा तो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग रहा तो डेबिट साइड, सो कैन आई नॉट से बाय आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग बैलेंस और बेटा टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यस और नो, क्लोजिंग बैलेंस। अब एग्जामिनर आपको बोलेगा कि रेंट पेड एंट्री करो, रेंट पेड एंट्री करो, रेंट टू कैश, सो कैन आई नॉट से टू कैश पब्लिक बैंक, जाहिर सी बात है। अब वो पूछेगा हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, से यस। चलो मैं नेक्स्ट पूछता हूं आपको, नेक्स्ट पूछता हूं, सपोज तुमको पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना पेड है वो भी निकाल सकते हो, हाँ या ना, ठीक है, रेडी हो जाओ। चार एंट्रीज लगेगी हमको, चार एंट्रीज, चार नहीं दो ही एंट्रीज, और बाकी का फिर मेरे भरोसे पे छोड़ दो, दो एंट्रीज ही चाहिए। एक्सपेंस पेड की एंट्री बताओ, एक्सपेंस टू कैश, इनकम रिसीव्ड की एंट्री बताओ, कैश टू इनकम, बराबर है। अच्छा एक्सपेंस के दो आइटम, इनकम के दो आइटम, एक्सपेंस के कौन से दो आइटम, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट इज द बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लियर हुआ। अब तुम्हें एक्सपेंस पेड की एंट्री तो आती है, एक्सपेंस टू कैश पब्लिक बैंक वो कर दो, बैलेंसिंग फिगर विल हिट पी एंड एल अकाउंट। नाउ इनकम के बारे में बताओ मुझे, इनकम रिसीव्ड की एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, एग्रीड। नेक्स्ट उससे रिलेटेड दो आइटम, अक्रूड इनकम कौन सा बैलेंस, अक्रूड इनकम कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर हिट्स पी एंड एल अकाउंट। हम अकाउंट से करने वाले बच्चे हैं, हम एडलेस नहीं सीखेंगे, समझ में आ रहा है, ये भी तरीका इजी है और एक बार भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो मैं तुमको कैश का भी लॉजिक बता दूं, एकदम सिंपल है, एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो एक्सपेंस के डेबिट में लिखोगे टू कैश, क्योंकि आपकी एंट्री क्या एक्सपेंस टू कैश, तो एक्सपेंस के डेबिट में लिखोगे ना कैश, सो कैश अकाउंट विल फॉलो नेचर ऑफ अकाउंट। जैसे इनकम रिसीव्ड की एंट्री क्या, कैश पब्लिक बैंक टू इनकम, तो कैश की एंट्री करनी है इनकम अकाउंट में, तो कहां पे करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। कैश अकाउंट विल फॉलो नेचर ऑफ अकाउंट, से यस। सो लवली पीपल, ये एक बार लिख कर ले लो, फिर बाकी मेरे भरोसे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। ये लॉजिक है, ये आना ही चाहिए, ऐसा है क्या, अपेक्षा तो है, बट अगर नहीं भी आए तो मैं संभाल लूंगा आगे, बट इंटरमीडिएट में ये पक्का चाहिए, एकदम एकदम परफेक्ट रसगुल्ले के जैसे। फिर उसके बाद में हम शॉर्टकट सीखेंगे इसका, कई हिस्सा निकालते, लिवरे पोल्टे है, पहले ऊपर का लिख लो बेटा और ऐसे लिखो, ये देखो ऐसे 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 लिखना है, ऐसे, क्योंकि फिर मैं ड्रैग करूंगा तब आप लिखते जाओगे, है ना, कैसे लिखना समझ में आया ना, ऐसे वर्टिकल मत लिखो, ऐसे मत लिखो, अरे बाढ़ मन जाए, लीच चल रहे है, ये छोरी देख रही क्या बोल रहे है बाबा, क्या पता है, इतने टाइम में तो भाई लिख देता है यार, तू पूरा ज्ञान बांट दिया उसको, उसने पूछा से प्यार क्या होता है, तूने पूरी बात बता दी आगे तक की, रुक जा थोड़ा लिख ले जल्दी से,
मैं ऊपर लूँगा अभी थोड़ा सा. हाँ ठीक है, बैठे रहो, इधर ही बैठे रहना, कहीं मत जाना. हाँ लिखते रहो. थोड़ा सा ऊपर लो अभी. सराज आपने बिल्कुल भी मस्ती नहीं की क्लास में, क्योंकि ये सीरियस है बेटा एकदम टॉपिक. इधर मस्ती करता ना फिर जय माता दी हो जाता है. आज इतना ध्यान समझ लेना, जब क्लास के बाहर जाओगे ना यहाँ से, तो ऐसा फील होना चाहिए कि भाई मेरे को आता है ये चीज़, उसको नहीं आता है. मतलब मज़ा आनी चाहिए ऐसी वाली चीज़ का. ये गया ऊपर, ये एंट्री रिवर्स होती है, मतलब होती है. ये नेक्स्ट ईयर है, इधर इधर नेक्स्ट ईयर है, पुढचा वर्ष है नेक्स्ट ईयर, हे चरंट ईयर है किंवा ह्याला प्रीवियस ईयर म्हणा आणि ह्याला करंट ईयर म्हणा. लिख दे रे अथर्व, क्या तांडव कर रहा है नालायक. रसगुल्ले लिखा क्या? रसगुल्ले, हैव यू रिटन इट? थोड़ा सा ऊपर लूं बेटा. वेरी गुड. नालायक, होपलेस बोलना पड़ता. डन डन डन. घेतोय घेतोय बाळवर, घेतोय हे घ्या. अब ब्रेक के उस पार मिलेंगे. कोई बुक क्लोज नहीं करेगा. मैंने बोला ब्रेक के उस पार मिलेंगे, मुझे कुछ बातें करनी है. ठीक है, लिख लिया सभी का, ये लिख कर हो गया. ब्रेक के उस पार हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, रिवाइज कर वापस एक बार, क्योंकि अभी बहुत हैवी हो गया है तुम्हारा सिर. तो ब्रेक के उस पार थोड़ा सा लाइट तरीके से करेंगे वापस. ठीक है, वट एवर वी हैव डन. क्या होता है बता रहा हूँ. चोरी लिख ले जल्दी से, कब से वेट कर रहा हूँ. कोई उठेगा नहीं, सब बैठे रहेंगे. निपलया जल्दी लेख. यप yep.